अरे मनोज भैया, ये गाड़ी तो काराकट की तरफ लेकर जा रहा है। अरे ये कहाँ जा रहे हो? कौन ले जा रहा है? हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल पवन सिंह का चुनाव होने वाला है और उनकी जो रैलियां हैं वो खत्म हो चुकी हैं। और आई मेरी तो यही विनती होगी सबसे कि आप उन्हें वोट करिए और काराकट से उनको विजयी बनाइए। आई होप कि वो काराकट से जीते, 4 जून को जो भी रिजल्ट हो पवन सिंह के फेवर में हो। पर उससे पहले जो उन एक महीने में बवाल मचा है पवन सिंह के चुनाव प्रचार को लेकर और जितने मीम्स बने हैं और लोगों और कैसे कैसे लोग हमें देखने को मिले हैं उनके ऊपर आज हम लोग रिएक्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं, आप भी हंसिए और हम भी हंसते हैं। जितना जिताएगा नहीं उतना हरा देगा। चलिए आगे देखते हैं। पवन सिंह का स्थिति क्या लग रहा है? पवन सिंह का स्थिति काराकाट में बहुत अच्छा है, बेहतर है। खेसारी लाल का चलते है। ठीक बा, खेसारी लाल के चलते आज पवन सिंह के माहौल बदल गई जी। मतलब यादव लेके वोट बैंक आ गए पवन सिंह। यादव का पूरा जाति का सपोर्ट है, उसका सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है किसका? खेसारी लाल यादव। ठीक है, खेसारी लाल यादव आए तो क्या बोले? क्या बोले? बोले कि ये मेरा भाई है, इसको दिल से सपोर्ट करो। अरे पवन भैया और खेसारी भैया मिल गए ना, पावर रेंजर्स अब स्टार्ट हो गए। काराकाट में हम लोग 27 पासवान समाज के मुखिया हैं और 7 हम लोग प्रमुख हैं और सभी के माध्यम से पूरे काराकाट के पासवान समाज की ओर से ऐलान कर रहे हैं कि सभी यदि पासवान का यदि जिसमें भी ब्लड है वो सब हम लोग जो निर्णय लिए हैं कि किसी भी हालत में हम लोग पवन सिंह को वोट देंगे, चाहे पवन सिंह हमारे बीच में है या नहीं है, या नहीं हो फिर भी हम पासवान समाज हम लोग जो है पवन सिंह को वोट देंगे। कहाँ है आप? यहाँ कहाँ है? सोरा है भाई, कहा लाए हैं मोदी जी के देखने के लिए? मोदी जी को देखने के जी, लेकिन वोट मारेंगे पवन सिंह में। पवन सिंह में? पवन सिंह में मारेंगे, मारेंगे लिया है लेकिन वोट मारेंगे पवन सिंह में। तो इसको बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, पवन सिंह में मारेंगे आप। अरे चचारे चचारे चचारे, आपसे चचारे आराम से चचा, गाली मत दिए चचा, वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगा। आगे देखते हैं गाली हटाकर। फिर कह रहे हैं नाचने गाने वाला का बात? नमस्कार, वो तो संगीत में है, ये है तो नाचने गाने वाला है, वो हीरो है, ये हीरो है, ये हीरो है, वो हीरो है तो हीरो है तो उसका डांस करेगा, उसका तो कमाल डांस वाला है। मोदी जी आ रहे हैं, अरे मोदी जी का टोपी मार के पवन सिंह को वोट मारेंगे हम भाजपा है, लेकिन पवन सिंह वोट मारेंगे टोपी पहनेंगे मोदी जी का। ये है प्यार भाई, मोदी जी का है पवन जी का, क्या समझ झमकौला से होगी? झमकौला से नहीं होगा। हाँ ना, झमकौला से जीत रहा है पवन भैया। कैसे यहाँ पे तो नरेंद्र मोदी जी भी आए हुए प्रचार करने के लिए, वोट वहाँ नहीं दिएगा? नहीं दिएगा वोट। भीड़ कहाँ पे है? वहाँ पे की यहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे। क्या देखने आई थी आप? पवन सिंह देखने आए हैं। कौन जीत रहा है? पवन सिंह जीतेगा। अच्छा मोदी जी भी आए, मोदी जी को देखने कहे नहीं गयी थी? मोदी जी कुछ नहीं किया, महिलाओं का वोट सपोर्ट मिल रहा था। बस 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 बस, ये देखिए सबसे बढ़िया वीडियो ज्योति सिंह का। मानना पड़ेगा गाइस, जो एक पत्नी धर्म जो निभाना चाहिए एक औरत को, ज्योति सिंह ने वो पूरा कर दिखाया है। और इससे ज्यादा अच्छी बीवी मुझे नहीं लगता है कि पवन सिंह को कोई मिल सकता था या फिर फ्यूचर में कोई मिलेगा। अगर इनको सही से नहीं रख पाते पवन सिंह, दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हैं। खैर, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा रिएक्शन वाला। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो और भी वीडियोस हम लेकर आएंगे। पहला वीडियो तो हो सकता है कुछ अगर आपको कमी लगा होगा तो वीडियो में बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।